रियलमी ने आज अपना रियलमी का 8 5G को लॉन्च कर दिया है। रियलमी 8 4G इससे पहले लॉन्च हो चुका था, बट दिस टाइम रियलमी ने आज रियलमी 8 5G को लॉन्च किया है। और क्या है मेरे ओपिनियन इस बारे में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, या फिर इससे अच्छे फ़ोन भी इस प्राइस पर अवेलेबल हैं, या फिर आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियोज़ में इंटरेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली टेक वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहें। सबसे पहले मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बता देता हूँ। ये दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 4+128GB और एक हुआ है 8+128GB। तो 4+128GB का बेस वेरिएंट है, प्राइस है 14999 और एक 16999 का है 8+128GB। तो आपको पूरा 15,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं 4+128GB वाले वेरिएंट के लिए। तो इस प्राइस को हम ध्यान में रखते हुए पूरे फ़ोन के स्पेक्स को देखेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन रियलमी 8 जैसा ही है, ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर डेयर टू लीव बड़ा बड़ा लिखा था, बट यहाँ पर छोटा सा भी नहीं लिखा है। और रियलमी का हल्की सी ब्रांडिंग दी हुई है साइड में, और सामने की तरफ भी हमें टॉप में पंच होल देखने के लिए मिल जाता है, लेफ्ट पंच होल कैमरा फ्रंट साइड में। प्लास्टिक ही बिल्ड हमें देखने के लिए मिलती है, और ओवरऑल मैं कहूँगा लुक काफ़ी अच्छा है। बट 15,000 रुपये में अगर ग्लास मिल जाता तो बेटर हो सकता था, बट यहाँ पर कोई भी ग्लास वगैरह नहीं मिलता है और प्लास्टिक बिल्ड ही देखने के लिए मिली है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, IPS LCD डिस्प्ले इस बार हमें मिली है। रियलमी 8 में हमें सुपर एमोलेड मिलती है, यहाँ पर हमें IPS LCD डिस्प्ले मिली है और 90Hz का रिफ्रेश रेट मिला है। साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जबकि रियलमी 8 के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है। लेकिन फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, 185 ग्राम का ये फ़ोन है IPS LCD डिस्प्ले होने के बावजूद भी, और डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है वो 600 निट्स तक जा सकती है। दो कलर में ये अवेलेबल है, सुपरसोनिक ब्लू और सुपरसोनिक ब्लैक। तो ब्लू और ब्लैक ही बेसिकली परफॉर्मेंस, जी हाँ, ये एक 5G प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर काफ़ी कैपेबल है। यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने वाला इस प्रोसेसर पर पहला फ़ोन है। डायमेंसिटी 700 5G पर ये फ़ोन आया है, जहाँ पर दो कोर्स कॉर्टेक्स A76 की मिलती हैं और बाकी 6 कोर्स कॉर्टेक्स A55 की मिलती हैं। जो हमारी परफॉर्मेंस कोर्स हैं A76 वाली, वो 2.2 GHz तक क्लॉक हो सकती हैं। बट ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि केवल 7 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है, फैब्रिकेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस प्राइस में हमें कोई भी फ़ोन 7 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट नहीं मिलता है, सब में 8 नैनोमीटर से ऊपर ही हमें फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने के लिए मिलती है। 8 नैनोमीटर पर स्नैपड्रैगन 720G 732G 730G ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलते हैं। रियलमी 8 में हमें G95 मिलता था, वो 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट था। तो काफ़ी बड़ा जंप है यहाँ पर 5G वाले वेरिएंट में। बैटरी एफिशिएंसी काफ़ी तगड़ी होने वाली है यहाँ पर, और फ़ोन भी आपका फास्ट फील होगा एज़ कम्पेयर टू रियलमी 8 4G वाले वेरिएंट के। आर्म की तरफ से आने वाला आर्म माले G57 MP3 GPU इसके अंदर में देखने के लिए मिलता है, जो कि 950 MHz तक क्लॉक है। तो परफॉर्मेंस ही नहीं, गेमिंग भी काफ़ी तगड़ी आप इससे कर सकते हैं। G95 के आसपास से हमें गेमिंग परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल फ़ोन की परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, और एक 5G प्रोसेसर है तो ये 5G सपोर्ट करता है। और यहाँ पर हमें 2.77 GBPS तक की पीक डाउनलोडिंग स्पीड देखने के लिए मिल जाती है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड्रॉयड 11 पर बेस है, और इसके अंदर हमें रियलमी UI 2.0 ही देखने के लिए मिलता है। टाइप सी पोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी तो मिलती है, बट 18W का केबल चार्जर मिलता है। जबकि यार हम कह सकते हैं कि इस प्राइस में 30W का चार्जर तो किया जा सकता था, बट यहाँ पर ये पैसे बचाए गए हैं रियलमी वालों के द्वारा। और रियलमी 8 में 5G वाले वेरिएंट में हमें केवल 18W का चार्जर देखने के लिए मिलता है, और 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलती है। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, बट चार्ज करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो अगर ये 30W का चार्जर होता तो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर इसको हम 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड हम लगा सकते हैं इसके अंदर। ट्रिपल कैमरे का सेटअप हमें यहाँ मिलता है, 48MP का प्राइमरी कैमरा है, 2MP का एक ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा है, और 2MP का एक डेप्थ सेंसर है। तो नो अल्ट्रा वाइड है, और रियर कैमरा भी केवल 48MP का। तो मैं कहूँगा कैमरा डिपार्टमेंट काफ़ी वीक रहा है इस प्राइस के हिसाब से। इस प्राइस पर जितने फ़ोन आते हैं सब में एटलीस्ट हमें 64MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, और अल्ट्रा वाइड भी हमें 8MP का कम से कम देखने के लिए मिलता है। और कहीं कहीं कंपनीज तो 12MP का अल्ट्रा वाइड भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें एक अल्ट्रा वाइड जरूर होना चाहिए था, या फिर कैमरे का रिजोल्यूशन भी 64MP तक होता तो बेटर हो सकता था। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कैमरा डिपार्टमेंट में डाउनग्रेड है ये मोबाइल। तो कैमरे के लिए आप इस फ़ोन को कंसिडर बिल्कुल नहीं कर सकते। सेल्फी ठीक ठाक है, 16MP की सेल्फी हमें देखने के लिए मिलती है, जो नॉर्मली इस प्राइस में हमें लगभग सभी फ़ोन्स में देखने के लिए मिल जाती है।
तो फाइनली ये थे सारे स्पेक्स मेरे, क्या कहते हैं ओपिनियन, वो ये है कि अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन देख रहे हैं तो मैं इसको कहूँगा कि आप इस फ़ोन को ना ही लें तो बेटर है, क्योंकि यहाँ से इससे अच्छे हमें जो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं मार्केट में, और अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन भी मिल जाता है उनके अंदर, और 64 मेगापिक्सल तक वो कैमरा सपोर्ट भी करते हैं, और बाकी परफॉर्मेंस काफ़ी लाजवाब है, टॉप नॉच परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिलेगी, गेमिंग खेलने में भी कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी, COD वगैरह आप अच्छी सेटिंग्स पर खेल पाएंगे, PUBG भी आप अच्छी सेटिंग्स पर खेल पाएंगे। देखने में फ़ोन काफ़ी ठीक है, डिज़ाइन भी काफ़ी ठीक है, लुक भी काफ़ी अच्छा है, और फ्रंट कैमरा भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक 18 वाट के चार्जर पर कॉस्ट कटिंग की गई है, और साथ में बिल्ड भी थोड़ी सी ग्लास की होती तो बेटर हो सकता था, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें कैमरा अच्छा देखने को नहीं मिलता रियर साइड से। तो ये सारे मेरे ओपिनियन थे, मिक्स ओपिनियन है। अगर आपको एक 5G फ़ोन चाहिए, अभी चाहिए, इसी टाइम चाहिए, और आपको अच्छा प्रोसेसर भी चाहिए और 15,000 से नीचे चाहिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं आराम से, बट अभी आपको 5G फ़ोन लेने की कोई जल्दी नहीं है तो फिर आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। Redmi का Note 10 5G भी अभी आ रहा है, क्या पता उसके अंदर अच्छे स्पेक्स देखने के लिए मिल जाएं, या फिर ये सारे स्पेक्स उसके अंदर हमें कम प्राइस में अबाउट 13,000 तक देखने के लिए मिल जाएं, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है फिलहाल, अगर आपको जल्दी है 5G फ़ोन लेने की, अभी लेना है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, तो मैं कहूँगा आप इसको बाय कर सकते हैं। इसकी जो पहली सेल है वो 28 अप्रैल को है, और Flipkart और Realme.com पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, बट अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप वेट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो 5G वाले आने वाले हैं, और काफ़ी अच्छे स्पेक्स भी आपको उसके अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। और वैसे भी जब 5G लॉन्च होगा इंडिया के अंदर, 5G मार्केट आएगा, तो आपको 8-10 हज़ार रुपये में 5G फ़ोन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 5G के लिए इतनी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना कैमरा के साथ में और चार्जर के साथ में, बैटरी के साथ में, मैं कहूँगा कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इस प्राइस में आपको काफ़ी अच्छे फ़ोन्स देखने के लिए मिल रहे हैं, आप उनके लिए वेट कर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका क्या है ओपिनियन, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।